क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी का डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कम डिस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। यानी क्या बोला, अपोजिट साइड्स जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड से तो सेंटर पर क्या बनता है, सर्कम डिस्क्राइबिंग सर्कल। कैसा है सर्कम डिस्क्राइबिंग, बताओ सर्कम डिस्क्राइबिंग सर्कल कैसे बनेगा। यानी जो सर्कल एक ऐसा होगा जो क्वाड्रिलेटरल की ऑल फोर साइड को क्या करेगा, टच करेगा, उसे बोलते हैं सर्कम डिस्क्राइबिंग सर्कल। ठीक है ना, तो सर्कम डिस्क्राइबिंग आपको सर्कल बनाना है, बना लेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, जिनका सम कितना हो, जो दो एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री होता है, उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो हम बनाते हैं क्या, पहले सर्कल बना लिया और ये मैंने बनाया एक क्वाड्रिलेटरल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, ये क्या बन गया बेटा क्वाड्रिलेटरल। नेम कर रहे ए बी सी एंड डी, जहां ये टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारे पी क्यू आर एंड एस। ये क्या है, पी क्यू आर एस इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके ये हमारा बन गया। अब प्रूव क्या करना है, यहां से जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, अब यहां से एंगल बना, ये हमारा क्या सर्कल का सेंटर, लेट से ओ, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ बोल दिया, इसको यहां ज्वाइन कर ऐसे, एक ज्वाइन, दूसरा, तीसरा और ये ज्वाइन करा लिया, तो किसका किसका सम आपको बन, ये सेंटर होगा सर्कल का है ना, ये किसका किसका सम आपको 180 डिग्री दिखाना है बताओ। यानी सीओडी और एओबी का सम 180 डिग्री दिखाना है, एओडी एंड बीओसी का सम क्या दिखाना है आपको, 180 डिग्री दिखाना है, क्या दिखाना है 180 डिग्री। ठीक है ना, अभी तो दिखा नहीं सकते हो, तो कैसे दिखाओगे, जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारे पी क्यू आर एस है, जहाँ सर्कल टच कर रहा है किसी टेंजेंट, ये क्या हमारी टेंजेंट हो गई ना, ए पी भी क्या है टेंजेंट, इसी प्रकार बी क्यू सी क्या है टेंजेंट है, तो इसे यहाँ ज्वाइन करा दो, करा दिया ज्वाइन, इसे भी ज्वाइन करा दो, करा दिया, इसे भी ज्वाइन करा दो एंड इसे भी करा दो, ऐसे करा दिया मैंने ज्वाइन। तो आपको जब थ्योरम मैंने 10.2 समझाई थी, उसमें मैंने हर एक कंडीशन आपको एक्स्ट्रा कंडीशन निकली थी वो भी समझाई थी। क्या बताई थी 10.2 थ्योरम, ये थी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, यानी जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होती है इक्वल होती लेंथ। फिर क्या बताई थी कि जो सेंटर, ये सेंटर है, ये क्या है एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसे जो ज्वाइन करती लाइन वो इस एंगल को टेंजेंट के जो बीच में एंगल बनता है उसे भी बाइसेक्ट करती है, और जो सेंटर पर एंगल बनता है उसे भी क्या करती है बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये वाला जैसे अगर हम एंगल कहें तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, यस और नो, लेट से दिस एंगल वन एंड दिस एंगल टू, तो एंगल वन इक्वल क्या होगा टू। इसी प्रकार अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये किसके इक्वल होगा थ्री, और ये थ्री नहीं सही है, थ्री किसके इक्वल होगा बेटा फोर, क्यों कैसे बदलना, देखो इसे ज्वाइन कर रहा ना ये, जब इसने किसने ज्वाइन किया एओ ने, तो ये एंगल इक्वल हो गए। अब यहाँ कौन ज्वाइन कर रहा ओ बी, तो कौन से इक्वल हो गए थ्री फोर, अब ये वाले एंगल इक्वल होंगे किसके, इसके फाइव और सिक्स, अच्छा ये वाला अब इसे कौन ज्वाइन करा रहा है ये, तो कौन सा एंगल होगा सेवन और एट, तो क्यों किसके इक्वल होगा बताओ, एंगल वन इक्वल होगा एंगल टू के, एंगल थ्री इक्वल होगा एंगल फोर के, एंगल फाइव इक्वल होगा एंगल सिक्स के, एंगल सेवन इक्वल होगा एंगल एट। अब ये पूरा एक क्या है कंप्लीट एंगल, अगर हम सबका सम कर दो तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा ना, और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, तो हम बेटा कहें एंगल वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन और प्लस एट इक्वल 360 डिग्री। एनी प्रॉब्लम, 360 डिग्री। अब पूरा समझना, हमने भी आपको बताया था कि सप्लीमेंट्री दिखाना है, कहां से बनता है अपोजिट से, तो किसका किसका सम दिखाना है सप्लीमेंट्री, मतलब कहने का हमें दिखाना है आपको ए ओ बी
प्लस ए ओ बी प्लस सी ओ डी, सी ओ डी इक्वल 180 डिग्री दिखाना है, और ए ओ डी प्लस बी ओ सी, ए ओ डी प्लस बी ओ सी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना दिखाना है 180 डिग्री। अब थोड़ा समझना, ए ओ बी में कौन कौन से एंगल इंक्लूड हो रहे हैं, ए ओ बी में कौन कौन से इंक्लूड हो रहे हैं जल्दी बताओ, ए ओ बी से अगर हम डार्क करें इस वाले पार्ट को, ये देखो इसमें ये दो एंगल इंक्लूड हो रहे हैं, कौन से, टू और थ्री, इसका मतलब टू और थ्री को आपको चेक नहीं करना है ना। इसी प्रकार अगर हम बेटा बात करें सीओडी में, तो सीओडी में कौन कौन इंक्लूड हो रहे हैं, देखो ध्यान से, वेरी गुड, कौन से इंक्लूड हो रहे हैं, सिक्स और सेवन, तो इसमें हमें सिक्स और सेवन को मतलब टू और थ्री से नहीं चेंज करना है, एंड सिक्स एंड सेवन से, तो जो बाकी के एंगल में क्या करना पड़ेगा चेंज, तो वन की जगह क्या पुट कर दे, टू, तो टू प्लस टू हो जाएगा प्लस थ्री, देखो ना टू प्लस थ्री, तो पहले इस वन की जगह क्या पुट कर दिया टू, और टू प्लस थ्री तो पहले बोलिए, अब फोर की जगह क्या पुट कर देंगे थ्री, और फाइव की जगह क्या पुट कर देंगे सिक्स, और सिक्स प्लस सेवन पहले से आपके सामने है कि नहीं, और एट की जगह क्या पुट कर देंगे सिक्स, इक्वल कितना हो गया 360 डिग्री। अब एक चीज सुनो, कितने एंगल टू हो गए, टू एंगल टू प्लस टू एंगल थ्री प्लस टू एंगल सिक्स प्लस टू एंगल सेवन इक्वल बेटा कितना हो गया 360 डिग्री। अब सभी में टू कॉमन है कॉमन कि नहीं, तो टू कॉमन लीजिए, तो आपके सामने हो जाएगा एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स और प्लस एंगल सेवन इक्वल कितना होगा, अब टू से कितने टाइम्स कट होगा 180 टाइम्स कट हो गया। अच्छा एंगल टू और थ्री को मेरे दादा क्या बोल सकते हैं बेटा बताओ, और सिक्स और सेवन को क्या कह सकते हैं, तो एंगल टू प्लस थ्री को बेटा बोल सकते हैं ए ओ बी, प्लस सिक्स प्लस सेवन को क्या बोल सकते हैं सी ओ डी, इक्वल कितना आ गया 180 डिग्री होगी हमारी ग्रुप। सिमिलरली आप क्या कर रहे हैं, सिमिलरली बोलना चाहो बोल दो, टू की जगह वन पुट कर दो और थ्री की जगह क्या पुट कर दो फोर, टू की जगह वन फोर कर थ्री की जगह फोर, तो वन प्लस फोर क्या हो जाएगा, या रुक जाओ सिक्स प्लस सेवन, सिक्स की जगह क्या पुट कर दो फाइव और सेवन की जगह एट, तो ऑटोमेटिकली कॉम्बिनेशन बन जाएगा वन और एट का बन जाएगा फोर और फाइव का बन जाएगा, तो वन एट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे ए ओ डी, और इसके फोर और फाइव के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे बी ओ सी, तो हम क्या सिमिलरली लिख देंगे बेटा हो जाएगा एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ सी इक्वल ये भी कितना होगा 180। तो समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन बताइए, यानी सर्कल मिसक्राइबिंग क्या था, एक सर्कल था जिससे एंगल सब्सटेंड हो रहा था कहां पर सेंटर पर, वो कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का, ऐसा वो क्या करना था प्रूव करना था। समझ में आया कि नहीं आया, ये एंगल समझ में आई कैसे ऊपर किस चीज बोलते हुए फिगर 10.2 में जो मैंने बताया कि कंडीशन एक्स्ट्रा निकलती है उसके बारे में डिस्कस किया था ना, वहां से ये हमारी पार्ट आया, क्लियर था, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, सही से समझ करो बेटा। क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है, तो एक प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन होता है और मैंने बताया क्या वैल्यू बेस्ड भी होता है, ये दोनों तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, प्रूविंग भी पूछ लेते हैं और क्या पूछ लेते हैं वैल्यू बेस्ड, देंगे वैल्यू दे देंगे और आपको कुछ फाइंड करने को बोल देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, ए सर्कल इज टचिंग द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल क्या है एबीसी है, जो सर्कल बीसी साइड को टच कर रहा है, किस साइड को टच कर रहा है बीसी को, तो देखो एट पी एंड टचिंग एट पी एंड ए टचिंग ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस क्यू एंड आर, जब हम ए बी और ए सी को क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्यू और आर पे टच करता है सर्कल, रिस्पेक्टिवली प्रूव करना ए क्यू इक्वल हाफ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पहले हम समझाते हैं क्या कह रहा है, एक सर्कल है, एक क्या बेटा ये सर्कल है, सर्कल किसे टच कर रहा है एक साइड बी सी को, लेट से दिस इज द बी सी, ट्राइंगल बना लो, क्या बना लो बेटा ट्राइंगल बना लो, ठीक है ना, ये बन गया ट्राइंगल की नहीं बताओ, तो ये वाली साइड क्या होगी बेटा बी और सी, तो ये क्या होगी, तो बी सी को सर्कल कहां टच कर रहा है पी पर, कहां टच कर रहा है सर्कल पी पर, ये कह रहा है ना पी पर टच कर रहा है टचिंग। अब कह रहा है ए बी और ए सी को जब प्रोड्यूस करते, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है आगे बढ़ाना,
इससे मैंने आगे बढ़ाया, मैंने कहा ये वैल्यू बेस्ड भी पूछा गया क्वेश्चन है, इतना याद रखना। रूबी नवी प्रीवियस पेपर में ही आया था, है ना। तो क्या है, क्यू एंड आर पे, यानी ये टच काम करता है क्यू एंड ये काम करता है आर पे। तो आपको फाइंड करना है जो ए क्यू है, ए क्यू बोल सकते हैं या ए आर भी बोल सकते हैं, क्या बोले, ए क्यू बोले या ए आर, इक्वल जो है हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब सुनो, आपने कहा सर ए क्यू और ए आर क्यों कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं थ्योरम 10.2 में क्या होती है, टेंजेंट ऑन ट्रोन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल एल एन, है ना। तो ए क्यू इक्वल क्योंकि ए, अगर हम इस ये ए क्यू और ए आर टेंजेंट है तो ये कैसी होंगी, इक्वल। इसलिए मैंने यहां राइट क्वेश्चन में तो ए क्यू ही गिवन है, लेकिन मैंने और क्या राइट कर दिया एक्स्ट्रा ए आर, रीजन क्या था ए आर राइट करने का, क्योंकि ए क्यू इक्वल क्या होगा, हो सकता है कि ए आर लिख दे, क्या आ सकता है। और मैंने कहा ये वैल्यू बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इसलिए भी हम आपको और भी कराएंगे, आरडी शर्मा पे करवाएंगे तब देखना। तो कैसे करना है, बाय थ्योरम 10.2, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बाय थ्योरम 10.2, सबसे पहले हम इस पॉइंट की बात करें, ये बी और सी कैसे पॉइंट है, एक्सटर्नल है, तो यहां से कौन सी टेंजेंट ड्रॉन की गई पहले ये बता, बी क्यू और बी पी, इधर सी आर एंड सी पी, यस और नो, की गई ना। तो हम क्या ले सकते हैं, बी क्यू इक्वल बी पी एंड सी सी आर इक्वल सी पी, एनी प्रॉब्लम। अच्छा बेटा ये बताओ कि आपका गिवन और एंड ए क्यू इक्वल क्या होगा, ए आर भी तो होगा, ये भी टेंजेंट, देखो ये बी जब टेन बी एक्सटर्नल जब पॉइंट माना, जब एक्सटर्नल पॉइंट हमने बी लिया तो बी क्यू इक्वल क्या हो गया, बी पी, जब एक्सटर्नल पॉइंट सी लिया तो सी पी इक्वल क्या हो गया, सी आर। अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट ए की बात करें तो क्या होगा, ए क्यू इक्वल ए आर होगा, ए क्यू इक्वल ए आर। अब ए क्यू लाना है तो ए क्यू को मत बोलिए आप ए आर। अच्छा ये बताओ टू का मल्टीप्लाई करा रहे पहले, सर टू का क्यों करा रहे बताओ, क्योंकि वहां देखो लाना क्या है, वन ऑफ वन बाई टू पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लाना है, ठीक है ना। ये बताओ डायरेक्ट बना दे, कोई दिक्कत तो नहीं है, डायरेक्ट ही बन जाएगा, डायरेक्ट कैसे बनेगा, चलो देखो डायरेक्ट देखो। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का मीन्स होगा ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी या सी ए, ए सी लिख दे कोई दिक्कत तो नहीं ना, यही तो होगा ना, ए बी प्लस बी सी प्लस, दोनों तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होगा। अब यहां देखो ए जो ए बी सी है वो किससे किससे कंबाइंड हुआ, बी सी बी पी प्लस, तो ए बी जो इस बी सी को ब्रेक किया, बी पी बी सी क्या लिखा, बी पी प्लस सी पी, समझ लो ना, जो बी सी है वो किससे कंबाइंड हुआ है, बी पी और सी पी से, इसे लिख दिया बी पी प्लस सी पी, और प्लस का क्या है ए सी, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बीपी की जगह क्या पुट कर सकते हो, जल्दी बताओ बीपी की जगह क्या पुट कर सकते हो, बी क्यू, तो ए बी इस बीपी की जगह पुट कर दिया क्या, बी क्यू प्लस सीपी की जगह क्या पुट कर सकते हो, सी आर और प्लस ए सी। आप समझना बेटा, ए बी और बी क्यू पूरा कंबाइंड हो गया, सी आर और ए सी कंबाइंड हो गया, तो ए बी और जब बी क्यू कंबाइंड हुआ तो पूरा क्या बन गया, ए क्यू बन गया, ए सी एंड सी आर जब कंबाइंड हुआ पूरा क्या बन गया, ए आर बन गया, तो ये बन गया ए क्यू और ये क्या बन गया ए आर। और यहां देखो मैंने क्या लिखा था कि ए क्यू इक्वल भी ए आर होता है, तो आप क्या ले सकते हैं, ए क्यू प्लस ए क्यू, तो कितने ए क्यू हो गए, टू ए क्यू हो गया, किसके इक्वल था, इधर क्या चला था, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हो गया आपका प्रूफ की नहीं हो गया, बताओ कि सर अभी कहां पर गया, नंबर टू है, देखो ना यहां से टू को ट्रांसफर कर दो, जब टू ट्रांसफर करोगे कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो चाहे हम टू ए क्यू बोल दे चाहे हम टू ए आर बोल दे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, इसी टॉपिक पर। तो क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है, लैंग्वेज थोड़ी इधर से उधर कर सकते हैं, टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ,
पीछे क्या टेंजेंट ड्रॉ की गई है, सर्कल एक सेंटर का सर्कल है, तो कह रहा है कि इफ सी डी इज टेंजेंट टू अ सर्कल पॉइंट ई एंड पी ए 14 सेंटीमीटर फाइंड द पैरामीटर ऑफ पी सी डी। पी सी डी तो मैंने कहा इसी टाइप का आपका क्या है क्वेश्चन है। देखो अब इस क्वेश्चन को मैंने पहले बोला था कि आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए बनाते हैं हम क्या फिगर बनाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या एक सर्कल है, ठीक है ना, ये मान लें कि ये पॉइंट पी है, एक्सटर्नल पॉइंट्स में क्या दिया गया है पी दिया गया ना, ये टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हमारी बेटा, टेंजेंट ड्रॉ कर लें सही, और ये टेंजेंट ड्रॉ की गई बेटा, इसे ए बोल दिया, इसे क्या बोल दिया बी, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सी डी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल पॉइंट पी, सी डी एक टेंजेंट है ऐसी फिगर दिया गया, इसका ध्यान रखना ठीक है ना क्वेश्चन में, ये सी डी है और ये पॉइंट हमारा क्या है ई है, ये क्या है ई है, तो आपको बेटा प्रूव कर पीए क्या गिवेन है, पीए आपका गिवेन है 14 सेंटीमीटर। अभी आप बता सकते हैं, बताओ पैरामीटर क्या होगा पीसीडी का, अभी आपने जस्ट प्रूफ किया ना, मैंने पहले ही कहा था कि इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में आता है। कैसे आता है तो बताओ, 28 वेरी गुड, क्या बताया था मैंने अभी, जस्ट अभी बताया ना प्रूफ करके कि जो ये आपका क्या बनता है ट्राइंगल बनता है वो किसी भी एक किसके टेंजेंट से कितने तो 2 times होता है, क्या होता है 2 times होता है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सॉरी एरिया क्यों पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पी सी डी इक्वल क्या रहेगा 2 times ऑफ पी ए बोल दें या 2 times ऑफ पी बोल दें, अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको समझा दिया मैंने, तो 2 times ऑफ पी ए कितना है, सॉल्व करना चाहो तो आप कर लो, अगर सॉल्व करना है आपको तो कर सकते हैं, 28 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया बेटा आंसर, समझ में आया कि नहीं आया, तो आपको ये इस टाइप का अब क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन का आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्लियर ओके नोट कर सकते हैं आप।